I hope you all are fine. Today we will continue our third chapter, Plants Around Us. The main topics of our chapters are unusual plants. Unusual plants का मतलब होता है ऐसे plants जो हमारे कोई काम नहीं आते, उसे हम कहेंगे unusual plants. Molds, mushrooms, yeast, ये सभी unusual plants के examples हैं. Next, uses of plants. Plants के क्या-क्या uses होते हैं? Balance in nature. Plants नेचुरल बैलेंस मेंटेन करते हैं फॉर फूड और हमें फूड देते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर. प्लांट्स की जो फूड होती है वो फर्नीचर मेकिंग में यूजफुल होती है. मेकिंग मेडिसिन, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे मेडिसिन बनती है, जैसे तुलसी, अश्वगंधा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और प्लांट्स को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं. इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में बुक्स से समझेंगे. प्लांट्स मॉल्स मशरूम्स एंड ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. दे टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिसेंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये इनका फूड डेड एनिमल्स से या डेड प्लांट्स से लेते हैं. सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट, कुछ प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं. द वेनस फ्लाई ट्रैप केट्स एंड इंसेक्ट बैट विन इट्स लीव्स. ये आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है वेनस फ्लाई ट्रैप का, यह इंसेक्ट खाता है. The picture plant and sundew also eat insect. And picture plant and sundew भी insect eat करते हैं. Uses of plants. Plants are important for us. They are our green friends. Plants हमारे लिए बहुत important होते हैं और ये हमारे green friends होते हैं. Plants purify the air we breathe and maintain the balance in nature. हमारे air को purify करते हैं and nature में balance maintain करते हैं. Plants gives us food in the form of vegetable, fruits, pulses. Plants give us food in forms of vegetables. Plants में vegetables, fruits, pulses, spices, coffee, sugar and oil. In forms में हमें food provide करते हैं. We use food for trees such as stick for making furniture, toys and paper. और हम wood, plants की जो wood होती है उससे हम furniture, toy and paper बनाते हैं. Wood of trees is not only used to make furniture but also used as fuel for fire and light. Wood, plants की जो wood होती है वो केवल furniture बनाने के लिए ही काम नहीं आती बल्कि light and fire making में भी useful होती है. The insect eating plants are called insectivorous plants. Insect eating plants को हम insectivorous plants कहते हैं. We make medicine from plants such as neem, tulsi and eucalyptus. हम कुछ plants ऐसे होते हैं जिनसे medicine भी बनाते हैं. Plants give us fibers such as cotton and jute. Plants हमें fibers देते हैं cotton and jute. Fruits and vegetables. We can buy all types of seasonal fruits and vegetables from the market. हम बहुत सारे seasonal fruits और vegetable market से खरीद सकते हैं. Some grow near the place where we live. और कुछ तो हम जहाँ रहते हैं उसके पास ही ग्रो होती है. सम ग्रो इन अदर स्टेट्स एंड देयर आर सम दैट ग्रो इन अदर कंट्रीज़. कुछ ऐसी होती है जो अदर स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज़ में ग्रो होती है. वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोली एंड फ्रूट्स लाइक पर्पल ग्रेप्स, कीवीज एंड स्वीट टैमरिंड कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस. कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे पर्पल ग्रेप्स, कीवीज, ये कहीं दूर से आती है. दे आर ब्रॉट बाई एरोप्लेन सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड. और इन्हें एरोप्लेन से लाया जाता है इसलिए ये ख़राब नहीं होती. इट इज़ बेटर टू ईट वेजिटेबल्स दैट आर ग्रोन लोकली बिकॉज दे आर फ्रेश, चीप एंड मोर टेस्टी. हमें ऐसी वेजिटेबल्स यूज़ करनी चाहिए जो हमारी लोकलिटी में ग्रो होती है क्योंकि ये फ्रेश होती है. आप सभी को लेसन समझ में आ चुका होगा. अब हम अपने लेसन की बुक एक्सरसाइज करेंगे. आप सभी को ये बुक एक्सरसाइज अपने बुक्स में करनी है. और इसे करने से पहले आप ये फील करेंगे डेट, डे एंड क्लास वर्क. इन सभी को फील करने के बाद हम बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. विच वन इज़ अ ट्री, कौन सा एक ट्री है? मैंगो, बिस्किस, मीन. अब हम यहाँ करेंगे मैंगो. मैंगो एक ट्री होता है. विच वन इज़ अ श्रब, कौन सा एक श्रब है? रोज. Where does lotus grow? Lotus कहाँ grow होता है? Water. Have many branches? किसके पास बहुत ज़्यादा branches होती है? आपने tree देखा होगा, trees के पास बहुत branches होती है.
नेक्स्ट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, आपने पढ़ा भी था जिसकी वीक एंड सॉफ्ट स्टेम होती है एंड ग्राउंड में होता है, क्रीपर्स। कीवी हैज कम फ्रॉम, कीवी कहाँ से आती है, न्यूजीलैंड। देन मॉल्स एंड मशरूम्स आर सम ऑफ द अनयूजुअल प्लांट्स। ये सभी बुक एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू।